रॉय बात कर रहा हूँ भाई, और स्वागत है आप सबका रॉय मैच प्रेडिक्शन में। चलिए आज बात करते हैं इंग्लैंड टूर और पाकिस्तान के पांचवें मुकाबले के बारे में, जो होने वाला है 28 सितंबर की रात 8 बजे। आगे बात करूं उससे पहले मेरे भाई, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं कर रखे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मेरे भाई फाइनल रिपोर्ट फाइनल प्रेडिक्शन आपको वहीं पे मिलती है। तो भाइयों, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का ये पांचवा मुकाबला गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी, और बाकी के बचे हुए सारे मैचेस यहीं पे गद्दाफी स्टेडियम में ही लाहौर में ही खेले जानी है। विनिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए मेरे भाई लास्ट पांच मुकाबले में, तो यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 20% मैच जीती है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 80% मैच जीती है। तो देखा जाए, जो भी टीम टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला करेगी, वो हो सकता है मैच जीत जाए और मैच में वो काफी आगे बनी रहेगी। फर्स्ट इनिंग की अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए, तो 155 रन का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है, और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 156 रन का है। हाईस्ट टोटल की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो 169 6 विकेट के नुकसान पे 18.4 ओवर में साउथ अफ्रीका कर रहा है इस मैदान में। और लोएस्ट टोटल की अगर बात की जाए, तो 136 रन 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में बांग्लादेश कर रहा है। और अगर हाईएस्ट चेस की बात की जाए इस पिच पे इस मैदान में, तो 169 रन का रहा है चेस, हाईएस्ट चेस जो कि पाकिस्तान ने किया था। और हाईएस्ट डिफेंड भी 169 रन का है डिफेंड, जो कि पाकिस्तान ने ही किया था। तो भाई टोटल T20 इंटरनेशनल मैच इस मैदान में 14 बार खेली गई है, जहां एवरेज रन 167 से 169 कर रहा था। फर्स्ट बैट यहां पे 7 मैच जीती है, और सेकंड बैट करने वाली टीम यहां पे 7 मैच जीती है। देखा जाए तो दोनों बराबरी पे ही है, टाई यहां पे एक भी मैच नहीं हुआ। हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए, अब तक पूरे ओवरऑल 14 मैचेस में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर रहा है इस पिच पे 197 5 विकेट के नुकसान पर, लोएस्ट स्कोर रहा है पाकिस्तान का ही 101 रन 10 विकेट के नुकसान पे। और भाइयों, स्कोरिंग पैटर्न पे अगर नज़र डाला जाए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि 150 से नीचे का स्कोर यहाँ पे 4 बार लगा है, 150 से 169 का स्कोर यहाँ पे 3 बार लगा है, 170 से 189 का स्कोर यहाँ अब तक 6 बार लगा है, और 190 का ऊपर का स्कोर अब तक केवल एक ही बार लगा है इस ग्राउंड पे। और भाई, अगर टोटल T20 डोमेस्टिक की अगर बात की जाए, तो अब तक यहाँ पे 32 मैच खेला गया है, जिस जहाँ पे एवरेज स्कोर रहता है 173 रन, एवरेज रन 173 रन रहता है। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 19 बार जीती है, और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पे 13 बार जीती है। तो अगर देखा जाए, तो यहाँ पे डोमेस्टिक मुकाबले में जो टीम फर्स्ट बैटिंग करती है, वो ज़्यादा आगे है सेकंड बैटिंग करने वाली टीम से। टाई यहाँ पे एक भी मुकाबला नहीं हुआ। हाईएस्ट स्कोर की अगर बात की जाए डोमेस्टिक में, तो मुल्तान सुल्तान ने लगाया था 245 रन 3 विकेट के नुकसान पे, और लोएस्ट स्कोर लगाया था क्वेटा ने 90 रन 10 विकेट के नुकसान पे। तो भाई, T20 डोमेस्टिक में 150 से नीचे का स्कोर 6 बार लगा है, 150 से 169 का स्कोर 8 बार लगा है, 170 से 189 का स्कोर 10 बार लगा है, और 190 से ऊपर का स्कोर 8 बार लगा है। तो देखा जाए, और तो मेरे भाई यहाँ पे 170 से 189 का स्कोर यहाँ पे इस बीच का स्कोर हमेशा लगता है, और इस इंटरनेशनल मैच में हो सकता है कि 180-185 के बीच वाला स्कोर वाला गेम हो। और भाइयों, हेड टू हेड आंकड़ों की अगर बात की जाए इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच, तो टोटल इन दोनों के बीच 25 मैच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड 16 मैच जीती और पाकिस्तान 8 मैच जीती है। देखा जाए मेरे भाई, तो बिल्कुल एक अर्श पे और एक फर्श पे। तो लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि इंग्लैंड पाकिस्तान के होम ग्राउंड में खेल रही है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एडवांटेज है। और अब तक 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने भी जबरदस्त वापसी हमेशा की है, 4 मैचेस में 2 मैच इंग्लैंड जीती है और 2 मैच वापसी करते हुए पाकिस्तान भी जीती है, तो पाकिस्तान को कम नहीं आंका जा सकता। टाई एक भी मुकाबला इन दोनों के बीच नहीं हुआ है, और एक नो रिजल्ट रहा है। तो भाई, दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पर अगर नजर डाले, तो इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट, एलेक्स हेल्स, विल जैक्स, फिलिप साल, मोइन अली, हैरी ब्रुक, डेविड विलेज, सैम करन, आदिल रशीद, रैसी टोपले और मार्क वुड। और पाकिस्तान की तरफ से होंगे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शुएब मलिक, आजम खान, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज, सदाब खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह। तो भाई, मेरे अनुसार इस मैच का मैच विनर पाकिस्तान रहेगा, और जो चलता आ रहा है, जो जैसे पहले इंग्लैंड जीत रही है, फिर पाकिस्तान, फिर इंग्लैंड, फिर पाकिस्तान, तो इस बार पांचवें मुकाबले में पाकिस्तान ही जीतेगी, और पाकिस्तान पांचवें मुकाबले को जीतने जा रही है।
तो मेरे भाई फाइनल रिपोर्ट याद रखिएगा, फाइनल रिपोर्ट फाइनल प्रेडिक्शन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जहां आपको लंबी जैकपॉट एंट्री विकेट कॉल आपको हर चीज वहां पे प्रोवाइड करा देती है। तो मेक श्योर कि आप लोग जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेंगे। बैक टू बैक मैचेस पास चल रही है और लोग प्रॉफिट में निकल रहे हैं पास से, तो एक बार मेरे साथ जरूर खेलिए, मेरे साथ कुछ दिन का बस टाइम बिताइए, टाइम गुजारिए, आपको गेम सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी। चलिए बाकी धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।